10-12 किलो मैंने काजू की कतली खाई है आज है वेडनेसडे। तो सो गाइस, आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि मैं एक पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने वाला हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है और अब मैं थोड़ा पावर लिफ्टिंग का जो वर्कआउट होता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा और पावर लिफ्टिंग का जो वर्कआउट होता है वो करने की स्टार्ट करूँगा। आज मेरा रहेगा अपर बॉडी वर्कआउट। अपर बॉडी में मैं आज करने वाला हूँ बेंच प्रेस। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने जो मेरी पहले बेंच प्रेस की फॉर्म थी उसको बिल्कुल चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो करेक्ट वे होता है उसमें लगाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ज़्यादा हैवी नंबर्स नहीं जाने वाला, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं जाने वाला। तो लेट्स गो एंड लेते हैं अपना पीडी वर्कआउट, फिर आपको सीधा मिलता हूँ अपने चेंजिंग रूम में। और आज मैं शाम को वर्कआउट करना है, उनको उस दिन में थोड़ा काम था तो अकेले ही है। शायद से शुभ्रांत और डैनियल ने सुबह कर लिया है और शुभ्रांत आजकल वर्कआउट करने नहीं आ रहा है। तो लेट्स गो। आज हमारा जो जिम का पीछे वाला पार्ट है, ये पावर लिफ्टिंग वाला एरिया पूरा फ्लोरिंग वगैरह कंप्लीट हो रहा है। बस ये फटाफट तैयार हो जाए तो अपनी प्रिपरेशन यही होगी। आज अपना प्री वर्कआउट बना लिया है, फटाफट इसको फिनिश करते हैं, फिर आपको मिलते हैं सीधा जिम के अंदर। ऑरेंज फ्लेवर है, बड़ा टेस्टी है। बहुत वक्त हो गया मैंने हैवी बेंच प्रेस करी है और मैं बेंच के कुछ ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाता, तो अब मैंने सोचा है कि बेंच डेड और स्क्वाट्स के बराबर वीडियोस बनाऊंगा सो दैट मेरा जो उसमें इम्प्रूवमेंट है वो आप सभी को सही से पता चलता रहे। आज मेरा जो सेट रहेगा वो रहेगा 97 में 3 रैप 3 सेट, तो 3 सेट करनी 3 रैप थी। और उसके बाद मैंने किया था वो 95 में 5 सेट किए थे 3 रैप के। तो गाइस 97 पे अपने 3 सेट हो चुके हैं 3 रैप्स के और आपने देखा है कि अभी थोड़ी थोड़ी आर्च बनानी सीख गया हूँ मैं। अब मेरा जो है बैक का वर्कआउट है डेडलिफ्ट को छोड़ के, तो फटाफट अपना बैक का वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। वर्कआउट अपना पूरा हो चुका है और आज फर्स्ट डे था, बढ़िया मज़ा आया है। वो कभी ऐसे पावर लिफ्टिंग की प्रोग्रामिंग नहीं की है तो मज़ा तो आ रहा है, बट थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसा फोर आर्म पे बहुत पेन हो रहा है मेरे, मैं लो बार करने स्टार्ट कर दिया मैंने स्क्वाट्स में, तो उसकी वजह से फोर आर्म बहुत पेन करते हैं मेरे। अभी स्टार्टिंग की है तो थोड़ा आदत हो जाएगी। एक बार बताता हूँ, तो मैं अभी ना जस्ट मेरी शुभ्रांत, मैं जैसे ही जिम से बाहर आ रहा तो शुभ्रांत मिला मुझे, इतना मोटा हो रखा है ना भाई, इतना मोटा हो रखा है, मतलब अराउंड 8-10 किलो वेट गेन कर लिया। और वेट गेन इसलिए हुआ बिकॉज उसने शादी में इतनी ज़्यादा काजू कतली खाई है, इतनी काजू कतली खाई है ना, ऊपर से खाना जो चीट मील है वो तो अलग बात है। तो आओ फटाफट दिखवाता हूँ और मिलवाता हूँ तुम्हें। मैं तुम लोगों को बताया था ना शुभ्रांत से मिला हूँ, इधर आ इधर आते इधर अपना भाई, ये इतना वेट गेन कैसे कर लिया तूने? वेट कैसे? हाँ भाई, एक्चुअली क्या था, मेरे भाई की शादी थी और लगभग मैंने 12 किलो एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 10-12 किलो मैंने काजू की कतली खाई है भाई। 10-12 किलो काजू कतली खाई है इस बंदे को, देखो भैया जो धैवान सा हो रखा है, ये क्या हो रखा है, एनर्जी आ रही है। मैंने सुना तू भी 100 किलो में पावर लिफ्टिंग कर लेगा। एक बात पूछने मुझे। हाँ बता बता भाई, वो आपको भी पूछना चाहिए एक सवाल, कि 200 किलो कब मार रहा है? किस चीज में 200 किलो डेडलिफ्ट में?
ओहो यार, ये लोग ना मेरी 200 के डेड के पीछे पड़े, जो कि मैंने सुमो में बहुत पहले मार दी थी। बट पता क्या सीन क्या है, मैंने बच्चों वाला खेल कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने इसको साफ बोल दिया, मैंने साफ बोल दिया भाई, हाँ कन्वेंशनल मार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि कन्वेंशनल से पहले ना 200 के स्क्वाड मार देता हूँ, इनके मुंह ही बंद हो जाएंगे। नहीं, मुंह हमारे बंद हुए नहीं अभी, हम तो डायरेक्ट कह रहे खेलेगा तू? मैं पावर लिफ्टिंग ऐसे कुछ नहीं है, खेलने का सीन नहीं है। अब तू कल भाई कैसे कैसे लोग हैं, कल इसने मुझे इतना चाटा कि भैया यार मैं भी खेलूंगा, चलो चलते हैं जीत लाल वाले शो में, खेलेंगे ऐसे सब खेलेंगे ये वो। सो भाई लोग अपना शुभ्रांत की डेड करवा दिए साथ मिलके, एक्चुअली थोड़ी हेल्प करवा देते हैं ना एक दूसरे के हम लोग, उसमें क्या होता है अरे हेल्प हो जाती है। तो जो बंदा कर रहा था उसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पड़ता है। तो अभी चलना है घर, तो गाइस अभी चलता हूँ अपने घर, तो मिलता हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।